हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम के 4:45 बज चुके हैं और अभी सृष्टि गई है अपनी फ्रेंड से मिलने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आईब्रो बनवा लूं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी आईब्रो हो गई है। आपने पिछले वीडियो में देखा है कि हम लोगों ने ऐसा, ये देखिए, कवर चढ़ाया हुआ है। मुझे सोफा ना पहले से बहुत सुंदर दिखने लगा है। सोचा कि थोड़ा सा ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी की जाए, तो घर पर तो हो नहीं पाती है। जैसे ही करने को बैठती हूँ तो बस लगता है कुछ और काम पड़ा है, तो वो कर लो, एक्सरसाइज छूट जाती है। तो एक जगह मैं आज जा रही हूँ एक्सरसाइज देखने, जाती हूँ वहाँ भी चेक करके आती हूँ कैसा क्या सिखा रहे हैं। अगर मुझे टाइम और प्लेस सूट करेगा तो मैं ज़रूर से ज्वाइन करूँगी। तो चलिए आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज मैंने सुबह इतने सारे कपड़े धोए हैं, झूले में भी डाल के रखा हुआ, ये रस्सी में भी डाले हुए हैं। ये सब सोफ़े के कवर है, सोफ़े का कवर चढ़ा दिया ना, तो इसमें जो बिछा हुआ था उसको मैंने सोचा धो करके अंदर रख देते हैं। सृष्टि ले गई है एक्सेस, आज मुझे अब ये ले जाना पड़ेगा एक्टिवा। मैं अधिकतर एक्सेस गाड़ी ही ले जाती हूँ, बहुत गंदी है क्योंकि कोई इसको चलाता नहीं है ना। सीट कितनी गंदी, कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए सीट पोछना तो बहुत ज़रूरी। इस कपड़े को डाल देती हूँ इसी के अंदर। आज कॉल करके नहीं आई हूँ, पता नहीं खाली है कि नहीं। नीचे तो 2-3 गाड़ियाँ खड़ी दिख रही थी, देखते हैं। थ्रेडिंग बस तो करानी है। आईब्रो बन गई है मेरी, थोड़ा सा रेड हो जाता है आँख के ऊपर और अपर लिप कराती हूँ दोनों। तो ये फर्स्ट फ्लोर में है, सी एक्सरसाइज वगैरह जहाँ करते हैं वहाँ चेक करने जाना है, तो वो है सेकंड फ्लोर में। यहाँ भी अंधेरा है। ये फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर एक और जाना है सेकंड फ्लोर। अब वहाँ जा करके देखती हूँ कैसा क्या सिखाती है। वैसे मैं पहले कर चुकी हूँ जुम्बा, लेकिन वो ओपन प्लेस में था इसलिए मैंने बंद कर दिया था। अब इन्हें यहाँ हॉल लिया हुआ है। मैं घर आ गई हूँ, जुम्बा करने गई थी। मैं पहले भी ये जुम्बा कर चुकी हूँ 1 साल पहले, लेकिन क्या पहले ये गार्डन में सिखाती थी तो ओपन में बारिश के टाइम मैंने किया था। टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी रहती ना, सफोकेशन वाली, तो वहाँ मैंने किया था। तो वहाँ से मेरे को इतनी ज़्यादा घबराहट हुई कि मैं तुरंत जल्दी वैसे ही बिना बताए ही घर आ गई थी। तो मुझे क्या उस बात का ना मन में डर भी बैठ गया है। और वैसे आज मैं जहाँ गई थी ना वहाँ भी सफोकेशन बहुत ज़्यादा था, पूरा क्या क्लोज था, वेंटिलेशन कहीं से नहीं था। अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो मुझे फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने सोच ही लिया कि मैं घर पर ही करूँगी, चाहे जैसे करूँ, थोड़ा टाइम निकालूँगी इसके लिए। नहीं, करना बहुत ज़रूरी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ हो रही है और मैं डायबिटिक हूँ, इसलिए मुझे एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं वॉक वगैरह करती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। जब से यूट्यूब में आ गई तब से मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम यूट्यूब में ही लग जाता है। तो मैंने आज से सोचा ही है कि मैं अब एक्सरसाइज करूँगी। और सच में करके आई हूँ ना तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, हल्का हल्का सा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे वैसे भी जुम्बा वगैरह करना बहुत पसंद है। बस यही है ना कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बहाने कर रही, बहाने नहीं कर रही हूँ। मैं आज गई भी थी, मैंने वहाँ किया भी 1/2 घंटे, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी लगने, क्योंकि जुम्बा वैसे भी फास्ट होता है, मुझे मज़ा बहुत आता है तभी मैं बार बार जाती हूँ, लेकिन अपने स्वास्थ्य को देखते हुए मैं वापस आ गई। क्योंकि अभी कल को कुछ हो जाएगा ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, रिस्क नहीं लेना चाहती कहीं जा करके। तो अब मैंने सोच ही लिया है कि अब मैं घर पर करूँगी, अब देखती हूँ कौन सा टाइम निकालती हूँ। और घर आते ही टाइम तो 6:15 हो गया, अभी सृष्टि आई नहीं है घर। मैं उसको अभी कॉल लगाती हूँ कहाँ है। और मैंने आते ही चावल चढ़ा दिया है, पहले मैं गंजी पे ही चावल बना, जब से पुणे से आई हूँ तो कुकर में ही चावल बनाने लग गई थी, तो लेकिन अब मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है गंजी में चावल बनाना। गंजी का चावल ठीक रहता है, इसमें जितना भी माड़ और स्टार्च वगैरह रहता है ना सब निकल जाता है। आज बना रही हूँ पालक पनीर, तो पालक को भी बॉयल कर लिया है और पनीर भी घर पर ही निकाल लिया है, तो फटाफट बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी पालक पनीर बना लेती हूँ, चावल ये बन जाएगा और आटा रखा हुआ है तो रोटी बन जाएगी, तो बस डिनर तैयार है। चावल उबाल करके इसमें निकाल लेती हूँ छन्नी में, चावल में जितना भी माड़ रहता है वो बाहर निकल जाता है।
आज बहुत दिन बाद बनाई हूँ गंजी में चावल। आप मेरे पहले के वीडियो चेक करेंगे तो उसमें मैं चावल ऐसे ही बनाती थी। आप मेरे किचन में जितना भी सामान देख रहे हैं ना, जैसे ये हो गया स्टैंड, एक ये स्टैंड है और एक ये स्टैंड है, ये स्टील का है, ये स्टेनलेस स्टील का है। सच में ये बहुत अच्छे दोनों स्टैंड है, बहुत सामान इसमें आ जाता है। कॉर्नर में लगा कर रखा है स्टैंड, ये दोनों स्टैंड बहुत अच्छा है। अगर आप ये अमेजोन से ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। इस तरह के मैंने 3 जार भी लिए हैं, स्टील के हैं ये भी, नीचे ये ग्लास लगा जिससे दिखता है कि इसमें क्या सामान है। जैसे इसमें चाय पत्ती है, एक में पिसी शक्कर, एक में खड़ी शक्कर है, और ये ऑयल वाला कंटेनर है, ये भी बहुत अच्छा है। मैं इनको काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ। ये सब मैंने अमेजोन से मंगाया है, इन सब का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस तरह का एक लकड़ी का स्टैंड भी लिया है, 2 रैक है, एक ये रैक है, एक ये रैक है, और इसके नीचे माइक्रोवेव रख सकते हैं। तो ये रॉड का बना हुआ है, बहुत मजबूत है, सच मानिए बहुत बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मैंने माइक्रोवेव रखा है, और इसके ऊपर फिर एक रैक है। इसमें आप चाहें तो OTG वगैरह भी रख सकते हैं, वैसे ये OTG रखने के लिए ही है, लेकिन अभी मेरे पास OTG नहीं है तो मैंने इसमें ये कुछ सामान रख दिया, मिक्सी वगैरह रख दिया इसमें। और ऊपर एक और रैक है, ये थोड़ा आगे है, फिर इसके थोड़ा पीछे रैक है। ये देखिए ऐसा पूरा लुक ऐसा आ रहा है। ये नीचे माइक्रोवेव रख दिया, ये ऊपर एक रैक है, फिर इसके बाद ऊपर एक रैक है, बहुत सारा सामान आ जाता है इसमें। जो प्लेटफॉर्म के ऊपर की ऊंचाई रहती है वो भी अच्छे से यूज़ हो जाती है। तो ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक ये स्टैंड है, इसमें सारे नॉनस्टिक बर्तन रखे हुए हैं, 5 रैक का है, इसमें काफ़ी बीच में जगह रहती है। जैसे इनके ये रखा है, इसके बीच में ये जगह है, इसमें एक और सामान रख सकते हैं आप, तो काफ़ी सामान आ जाता है। ये इस तरह आप चाहें तो उसको इस तरह भी रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया है। ये सारे प्रोडक्ट मेरे 3-4 महीने पहले के हैं और इनको मैं यूज़ कर रही हूँ, सब प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं तभी मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ, पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये मैंने अपने घर के लिए ख़रीदा तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए। ये मैंने 2 कंटेनर भी अमेजोन से ही लिए हैं, ये भी बहुत अच्छे कंटेनर्स हैं। मैंने दाल चावल के लिए लिया है, इसमें चावल इसमें दाल है, 7 kg की कैपेसिटी है इसमें। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी मैंने जो भी चीज़ें किचन में दिखाई हैं उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उस लिंक के थ्रू अमेजोन से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। मैं जो रेसिपी पालक पनीर की बता रही हूँ ना, वो बहुत ईजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं पालक पनीर बनाना। मैंने प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च को काट लिया है और धो लिया है, अब इसको मैं मिक्सी में पीसूंगी। ये इस तरह का पेस्ट बना लिया है, मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, प्याज का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल देते हैं। प्याज बहुत अच्छे से भुन गई है, साइड में तेल छोड़ दिया है। अब गैस को धीमा करके इसमें सूखे मसाले डालेंगे, सूखा धनिया 1.5 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच भुना जीरा। इस मिक्सी ग्राइंडर में अभी प्याज पीसी थी उसी में टमाटर पीस लिया है, इसको भी डाल देते हैं। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें उबली हुई पालक थी उसको भी मैंने उसी मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया है, अब इसको डाल देते हैं। पालक का कलर लाइट ग्रीन हो गया है, हल्का हरा कलर का दिखने लगा है, इसका मतलब कि पालक भुन गई है और ये तली भी छोड़ रही है, ये ऐसे तली छोड़ देती है। जब पालक भुन जाए तब हम इसमें ये छोटे छोटे टुकड़े करके पनीर डाल देंगे। कच्चा पनीर है, इसको फ्राई नहीं किया है, कच्चा पनीर डाल करके अगर पालक पनीर बनाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको पहले अच्छे से पालक के साथ मिक्स कर लेंगे, अब इसमें पानी डाल देते हैं। जैसे ही पालक उबलने लगे तो गैस को धीमा कर देंगे और इसको ढक करके धीमी आंच पे थोड़ा देर पकने देते हैं।
पालक पनीर सब्जी तैयार हो गई है बनकर। बहुत दिन बाद गंजी में बनाया मैंने चावल, अच्छा लग रहा है चावल। बहुत बढ़िया, एक एक बन गई। तुम डिनर करने के बाद पपीता खाती हो, तुम अलवेली ही हो यार। डिजर्ट, ये डिजर्ट ठाई खाओ, लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, अब तुम ये खाती हो बताओ। चलो ठीक है, एक तरह से हेल्थ के लिए अच्छा होता। गुड गर्ल। तो हम लोग का डिनर हो चुका है, आज जल्दी डिनर कर लिया, 8 बजे ही डिनर फिनिश हो गया है। और पालक पनीर बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप रेगुलर भी बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब जा रही हूँ, थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ डिनर करने के बाद। तुम चलोगी क्या वॉक करने? तो इसी व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।